कश्मीर में आम लोगों को फिलहाल ठंड से कोई राहत नहीं है। बीती रात की बात करें तो तापमान -6.5 डिग्री श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया, जबकि कश्मीर के अधिकतर इलाकों में इससे भी कम तापमान था। पर्यटन स्थल पहलगाम की अगर बात करें तो वहां पर पारा -11.2 डिग्री लुढ़का, जबकि गुलमर्ग में -12 डिग्री तक तापमान लुढ़का। दिल्ली में और बाकी उत्तरी राज्यों में भी ठंड है, लेकिन आज हम आपको दुनिया के उस इलाके में ले चलेंगे जहां पर तापमान -35 से -40 डिग्री तक जा लुढ़का है। हाँ, हम बात कर रहे हैं करगिल में द्रास इलाके की, जहां पर इस साल तापमान -40 तक लुढ़का है। किस तरह से यहां पर लोग जी रहे हैं जीवन और किस तरह से सेकेंडों में गर्म चाय बर्फ में बदल जाती है, जानिए इस रिपोर्ट में। देखो सर, आज इतना सर्दी था द्रास में, आज सुबह जो है ना -40 के आसपास था। गाड़ियों को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ा हो गया। सुबह बहुत डीजल गाड़ी तो स्टार्ट करने के लिए बहुत से दिक्कत हो रहा था, यानी कि पेट्रोल गाड़ी को भी स्टार्ट करने के लिए चमर में आग लगाना पड़ा आज मेरे को सुबह सुबह। इतना बहुत सर्दी था यहाँ द्रास में। हम बात करते हैं कि सर्दी की, तो आज जो है टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा जो है रिकॉर्ड किया गया, -35 से -40 जो है आसपास जो है टेम्परेचर आज हमें देखने को मिला। इसी के चलते जो है आज जो है काफी ज्यादा पाइप का पानी भी, आज आप देख रहे हैं कि पाइपों का पानी भी बंद है, और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है द्रास टाउन। द्रास टाउन बिल्कुल आज जो है सुनसान है, बहुत लोग ही कम आ रहे हैं। इस तरह की सर्दी जो है आज आपको देखने को मिली, आपने पूरा जो है कवर करके रखा है, तो क्या कहना चाहते हैं आज जो है -35 से -40 जो है टेम्परेचर गया है सर? आज बड़ी ज़बरदस्त सर्दी है इलाके में, तो लोग अभी कम मार्केट में भी आते हैं, क्या करेंगे, मौसम भी खराब हो रहा है 18 के बाद, इसलिए सर्दी बहुत हो रही है। नाले बंद हो चुके हैं, बहुत लोगों को परेशानी भी आ रही है, गाड़ियां स्लिप होने का खतरा है सर। हर रोज़ हम मार्केट सुबह 10 बजे तक आते थे सर, आज इतनी ठंड है कि 12:30 बजे मार्केट आके भी हमें मॉर्निंग के 6 बजे का फीलिंग आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।